लिख लें सर्कुलर परमुटेशंस और अरेंजमेंट्स ऑफ थिंग्स, सर्कुलर परमुटेशंस और अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स इन अ सर्किल और अरेंजमेंट्स ऑफ थिंग्स इन अ सर्किल, अरेंजमेंट्स ऑफ डिस्टिंक्ट थिंग्स इन अ सर्किल। पहले रिजल्ट लिख लें, फिर उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। रिजल्ट लिख लो, पहले लिखिए रहे नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशंस। रिजल्ट लिखो, रिजल्ट लिख लें पहले। आवाज आ रही है? नंबर ऑफ लिखिए रहे नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशंस ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकिंग आर एट अ टाइम, टेकिंग आर एट अ टाइम, टेकिंग आर एट अ टाइम टेकिंग आर एट अ टाइम इक्वल टू एन पी आर अपॉन आर। लिख लो, एन पी आर अपॉन आर एंड ऑल्सो इक्वल टू एन पी आर अपॉन आर इंटू टू। ठीक है ना? इट इज द रिजल्ट व्हेन लिख लो, ये हमारे पास क्या होगा, ये आंसर कब होगा? लाइन में कितना होता है? एनपीआर होता है, सर्कल में एनपीआर अपॉन आर। लेकिन ये आंसर हमारे पास कब होगा? जब हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज ऑर्डर्स हैं वो डिफरेंट माने जाएंगे। इसमें लिख लो, जैसे अगर हम ऐसे अरेंज कर रहे हैं और ऐसे अरेंज कर रहे हैं सेम को, तो वो डिफरेंट माने जा रहे हैं। इसमें ऐसे लिखो, व्हेन इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर्स आर टेकन एज डिफरेंट, व्हेन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर्स आर टेकन एज डिफरेंट, व्हेन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर्स आर टेकन एज डिफरेंट। ठीक है ना? अब इनमें और इनमें अंतर क्या है, ये समझना है बस हमें, ये एक याद रखना है। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को सेम ही होगा किसी अगर सिचुएशन में, तो बाई टू कर देंगे, आधा हो जाएगा ना। लिख लो इसमें, इट इज का इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज ऑर्डर्स आर नॉट टेकन टू बी डिफरेंट। ऐसा कब होगा? इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर्स आर नॉट टू बी टेकन एज, नॉट टू बी टेकन ऑर्डर्स आर नॉट टेकन टू बी डिफरेंट। गॉट इट? अब इसे समझना है हमें, बहुत ढंग से देखना। अच्छा, सर्किल और लाइन में डिफरेंस क्या है? मान लो एक ज्योमेट्री है हमारे पास, एक अभी लाइन अरेंजमेंट की बात बाद में करेंगे, एक लाइन है और एक सर्किल है, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है? ये भी पॉइंट से मिलके बनी है, सिंपल सिंपल पॉइंट्स हैं, लेंथ वाइज ही बनती है, ये भी कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं है, सेम ही चीज है। मतलब इसमें भी ये पॉइंट से मिलके बनी है, इसमें पॉइंट से मिलके बनी है, ये भी पॉइंट से मिलके बनी है, ये भी क्या है, पॉइंट से मिलके बनी है, लेकिन सर्किल में अरेंज्ड है। इनमें बेसिकली अंतर क्या है, मेन डिफरेंस क्या है? मतलब नहीं, हम ये नहीं, इसमें हर पॉइंट इनिशियल है और हर पॉइंट फाइनल है। मतलब सर्किल में अगर कोई चलना शुरू कर दे, सर्किल में अगर कोई करना चलना शुरू कर दे, तो उससे क्या कहते हैं, उसके आदि अंत नहीं है, बस वो नंबर ऑफ राउंड काउंट करेगा। बात समझ में आ रही है ना? अगर आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, तो अगर लंबे रास्ते पे जा रहे हैं, मतलब रोड पे जा रहे हैं किसी पे, तो एक तरफ से ऐसे जाएंगे और सीधे लौट के आएंगे,
मतलब इसका ये एंड है और ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड है, बात समझ में आ रही है ना। और कुछ समझदार लोग क्या करते हैं कि भाई क्या मॉर्निंग वॉक पे जाना, किसी ने एक्सीडेंट पीछे से आगे ठोंक दिया, या डर है कि कोई परेशान ना करे, या फिर डर है कि कोई उठा ना ले जाए, व्यापारी लोग हैं, पता चला किडनैप भी कर लिया, तो उन्होंने क्या किया, उनकी छत है, गोल है, चलो ऐसे घूमना शुरू करते हैं। तो चलते वो भी उतना ही है, लेकिन वो क्या राउंड लगा रहे हैं, या फिर पास में किसी ग्राउंड में चले गए, तो उसमें क्या है कि कोई एंड नहीं है, मतलब उसमें काउंटिंग राउंड वाइज ही होगी भाई। अंतर, हाँ, जो मैंने अंतर आपको बताया वो क्या है कि इसमें इनिशियल पॉइंट है और एंड पॉइंट है। वेरी ओरिजिनली अगर सेम पार्टिकल सेम तरह से हम बना रहे हैं तो इसमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट नहीं है, समझ गए ना। अब मैं बात करता हूं कि अरेंजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं, अब ढंग से सुनना। लेट, मेरे पास तीन वर्ड्स हैं, मे बी पी क्यू आर, लेट वी आर कंसिडरिंग PQR, ठीक है ना, ढंग से समझना। मैं इनको लाइन में अरेंज करना चाहता हूं, तो हाउ मेनी वेज आर पॉसिबल अरेंजिंग थ्री वर्ड्स, थ्री डिस्टिंक्ट वर्ड्स इन अ लाइन, इन अ रो। अगर कुछ मेंशन भी नहीं है तो भी हम क्या मानते हैं, इन अ रो। तो इसका कितना है, फैक्टोरियल थ्री, इसका मतलब सिक्स होगा। और अगर मैं इन सिक्स अरेंजमेंट्स को लिखना चाहूं तो भी मैं लिख सकता हूं, बहुत ध्यान से देखना क्या क्या होंगे, क्या क्या रहेंगे, PQR, PR, Q, QP, RP, RPQ, RQP, दीज आर द सिक्स अरेंजमेंट्स, ठीक है ना। अब मैं इन सब के करस्पॉन्डिंग सिक्स सर्कल्स बना रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये फाइनली सिक्स, ठीक है ना। और जैसे ही अरेंजमेंट है तो वैसे मैं यहां पे मार्क कर देता हूं भाई, लाइन होता तो क्या होता, PQR, समझ गए। फिर क्या है, PRQ, फिर क्या है, QPR, फिर क्या है, QRP, फिर क्या है, RPQ, एंड लास्ट वन क्या है, RQP। अगर जो इम्पोर्टेंट थिंग है जो बुक्स में भी नहीं दी होती है कि अगर सर्किल पे चीजें नंबर मार्क्ड हैं, तीन प्लेसेस मार्क्ड हैं कि ये नंबर वन सीट है, ये नंबर टू सीट है, ये नंबर थ्री सीट है, तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर एंड लीनियर अरेंजमेंट्स। या अगर मेरे पास सर्किल में जो पॉइंट्स हैं वो मार्क्ड हैं कि 1, 2, 3 है, तो फिर क्या अंतर है भाई, फिर देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड सर्कुलर परमुटेशन, ठीक है कि नहीं। तो ये इसके भी सिक्स होंगे, इसके भी सिक्स, 1, 2, 3 पोजीशन मार्क्ड होती, अगर पोजीशन मार्क्ड नहीं है, बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो जो PQR मेरे पास ये है, PQR ये कैसे आ रहा है, PQR इट इज क्लॉकवाइज सेंस में, तो PQR और कहीं आ रहा है, ये आ गया भाई, ये कलर भी है हमारे पास, तो कलर्स का यूज करेंगे ना, ये हमारे पास क्या आ गया, PQR इसमें भी आया है भाई, और PQR इसमें भी आया है, ठीक है कि नहीं, और कहीं आया है, ये दोनों कैसे हो गए, सेम हो गए, PRQ कहां कहां है, PQR यहां पर भी आया है, और PRQ यहां पर भी आया है, PRQ, ये दोनों सेम हो गए। एंड फाइनली लास्ट के लिए बात करें हम, तो PQ, ये इसमें भी PQR आया है भाई, अरे इसमें PQ, इसमें क्या आया है, PQR आया, और इसमें PRQ आया, खत्म हो गई, दो ही तरह के अरेंजमेंट बने, बात समझ में आ गई ना। वो भी ये दो कब बन पाए हैं, PQR और PRQ, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसे हैं, सेम कहां है, जैसे PQR ये क्या है, क्लॉकवाइज है, नहीं, और PQ
आर, ये एंटी क्लॉकवाइज है। अगर दोनों ये सेम होते तो एक ही अरेंजमेंट बनता, ये दोनों डिफरेंट हैं, तब मेरे पास कितने अरेंजमेंट बन गए, कितने बने, दो बने ओनली। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है कि नहीं? तो आप इसे ऐसे सेट करिए, फंडा यही है कि लाइन में एंड होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और सर्किल में एंड और स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होते। तो अगर मैं आर चीजों को सिलेक्ट कर रहा हूं, सिलेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आर चीजें सिलेक्ट होने के बाद पहली पोजीशन पे जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कितनी तरह से आ सकती है आर, तो वो जो आर तरीके हैं वो मिस हो जाएंगे। एक बार एक फिक्स हो गया, उसके बाद अरेंजमेंट रहेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? उसके बाद तो अरेंजमेंट हो जाएंगे, लेकिन वो मिस हो जाएगा। इसलिए सर्कुलर परम्यूटेशन में अगर हमें आर चीजों को अरेंज करना है, इन अ सर्कुलर सर्किल अरेंज करना है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल आर माइनस वेज। गॉट इट? बात समझ में आ गई ना? अगर आर थिंग्स को, अगर एन थिंग्स को सर्किल में अरेंज करना है तो उसके कितने तरीके होंगे, फैक्टोरियल फैक्टोरियल एन माइनस वन। क्यों? लाइन में अरेंज करने के लिए पहले प्लेस के लिए कितने थे, एन थे, अगर एन प्लेसेस आए हैं तो। लेकिन वहां तो पहले पे कोई कोई मतलब ही नहीं है पहले का। हाँ, पहले के बाद दूसरे का मतलब है, पहले के लिए एक ही है, कोई कहीं पे भी कर दो, क्या दिक्कत है। बात समझ में आ गई ना? तो आपको ये याद भी करना है कि अगर मुझे एन थिंग्स हैं और उन्हें सर्किल में अरेंज करना है, तो पहले के लिए या पहली पोजीशन कोई है नहीं, लास्ट के पोजीशन कोई है नहीं, लेकिन दूसरे से बात एकदम सेम है, तो एन थिंग्स को मैं सर्किल में कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं, फैक्टोरियल एन माइनस वन। गॉट इट? बात समझ में आ गई ना? और अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी क्या है, अंतर नहीं है, तो वो आधे हो जाएंगे, तो बाई टू हम कर देंगे। समझ गए ना? बात समझ में आ गई ना? तो सबसे पहले एक नोट और लिख लीजिए, फिर मैं उस रिजल्ट के बारे में बात करूंगा। इन लीनियर अरेंजमेंट्स, इन लीनियर अरेंजमेंट्स, दो नोट लिखिए, इट डज नॉट मेक डिफरेंस, इन लीनियर अरेंजमेंट्स इट डज नॉट मेक डिफरेंस, पोजिशंस आर नंबर्ड और नॉट, पोजिशंस आर नंबर्ड और नॉट। भाई लीनियर है, कोई अंतर नहीं पड़ता, वो तो सेम ही रहता है। बट इन सर्कुलर अरेंजमेंट्स, बट इन सर्कुलर अरेंजमेंट्स इफ पोजिशंस आर नंबर्ड, इफ पोजिशंस आर नंबर्ड, इट इज ट्रीटेड एज लीनियर अरेंजमेंट्स। कोई अंतर नहीं रह जाएगा, जो टेंशन थी फर्स्ट और लास्ट पोजिशन की वो भी क्या है, हट जाएगी। बात समझ में आ गई? इट इज ट्रीटेड एज लीनियर अरेंजमेंट्स। ये बात समझ में आई कि नहीं? ढंग से आ गया समझ में? अब ध्यान से सुनना, मैं जब मेरे पास फर्स्ट की दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है, तो एन प्लेसेस हैं, एन थिंग्स हैं, और आर एट अ टाइम लेने हैं, तो एन में से आर को सिलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे, एनसीआर, और आर को अगर सर्कल में अरेंज करना है तो कितने तरीके होंगे, फैक्टोरियल आर माइनस वन, ठीक है ना? तो ये क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ एन थिंग्स इन अ सर्किल टेकिंग आर एट अ टाइम। बात समझ में आ गई ना? इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो कितना आ जाएगा, एनसीआर इंटू फैक्टोरियल आर अपॉन आर, आई कैन राइट इट एज एनपीआर अपॉन आर। बात समझ में आ गई ना? कोई डाउट? एंड इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज सेंस आर नॉट सेम, मतलब सेम, तो इसमें क्या आ जाएगा, आधा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, एनसीआर
फैक्टोरियल आर माइनस वन अपॉन टू, तो फाइनली रिजल्ट क्या आ जाएगा, एन पी आर अपॉन टू आर। समझ गए, सही तरह से आ गया, कोई डाउट है? लिखिए जरा एक प्रॉब्लम। स्टैंडर्ड क्या है कि नेकलेक है, मोती है, तो इनमें हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं मानते। लिख लीजिए जरा, इन हाउ मेनी नेकलेक्स ऑफ 10 बीट्स जनरली नहीं मानते हैं, स्पेसिफाइड हो के मानना ही है तो बात अलग है। लिख लीजिए अब, हाउ मेनी नेकलेक ऑफ 10 बीट्स ईच कैन बी मेड फ्रॉम 20 बीट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स आर पॉसिबल। ठीक है ना, कितना आएगा आंसर? भाई नेकलेक में हम नहीं मानते हैं, क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज में डिफरेंस जब तक नहीं माना जाए, मतलब कुछ स्पेसिफाइड ही नहीं दिया हो, तो कितना आ जाएगा, कितनी है अपने पास, 20 है, 20 पी 10 अपॉन 10 और इंटू 2, नोट कर लो। समझ आ गया नहीं? नेक्स्ट लिखिए, पर्सन में अंतर होगा कि नहीं होगा, होगा। लिख लीजिए, इन हाउ मेनी वेज कैन 20 बॉयज be seated round a table, be seated round the table if there are 8 chairs. अब एक के ऊपर एक को नहीं बैठना है, ये ध्यान रखना। If there are ना 8 chairs, very simple, 20 हमारे पास क्या है, boys हैं, chairs कितनी है, 8 chairs हैं, तो और इन्हें सर्किल है, तो 20 सी 8 इंटू फैक्टोरियल 7, ऐसे कर दो है? या फिर 20 पी 8 अपॉन 8, एक ही बात है, जैसे आप अंडरस्टैंड कर पाए वैसे आप दिमाग में सेट करिए। समझ गए ना? In how many ways? Next लिखें, In how many ways? 10 boys, 10 boys and 5 girls can we sit around a circular table? Can we sit around the circular table so that no two girls sit together? So that no two girls sit together. 10 boys and 5 girls. कौन आसपास नहीं बैठ रहे हैं? गर्ल्स, बॉयज आसपास बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम बॉयज को अरेंज करेंगे। बॉयज को लाइन में अरेंज करना होता तो कितने होते, फैक्टोरियल 10, किसमें अरेंज करना है? है सर्कल, तो कितने तरीके से अरेंज होंगे, फैक्टोरियल 9, वेरी गुड। अब अगर 10 यहां पर बिठा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
और 10। ठंडी हो गई तुम किधर? ठंडी हो गई, ठंडी हो गई। 10 बनती है लाइन में। 11 देखें, यार देखूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर्किल में अगर हम 10 को अरेंज करेंगे तो कितनी जगह बनेंगी? 10। अब अपने पास 10 प्लेसेस हैं, उनमें गर्ल्स कितनी आनी है? अब कोई लाइन और सर्किल का लफड़ा ही नहीं है, कितनी आनी है? 5। तो 10 में 5 को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 10P5। आंसर कितना आ जाएगा? फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 5। सही है, समझ गए ना? ओके, नेक्स्ट लिखिए। 20 बॉयज वर इन्वाइटेड टू अ पार्टी। इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी सीटेड इन अ राउंड टेबल? सच दैट टू पर्टिकुलर पर्सन सिट टू पर्टिकुलर पर्सन सिट टुगेदर। कितने हैं टोटल? 20। अब दो हमेशा संग बैठते हैं तो कितने हो गए? 19 हो गए ना, 19 हो गए। और 19 को सर्किल में कितने तरीके से अरेंज होंगे? फैक्टोरियल 18, लेकिन दोनों आपस में फैक्टोरियल 2 है। बात समझ में आ गई सही तरह से? नेक्स्ट लिखिए। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज थोड़ा टफ लगेगा आपको, अपने आप ही करना है। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स फॉर्म सर्किल सच दैट बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेटिव? ये थोड़ा सा टफ लग सकता है, ये वही है कि सबके लिए फिक्स ही करना पड़ेगा। पहले किसको फिक्स कर रहे हैं? अगर बॉयज को फिक्स कर रहे हैं तो लेट B1, B2, B3, B4 और B5 क्या करें इसमें? तो उसमें लाइन में तो थोड़ा दिक्कत आती थी, अल्टरनेटिव बैठाना पड़ता था। देखो कितना आ रहा है। आंसर निकालना पड़ेगा इसको। ये कितने तरीके से अरेंज होंगे? फैक्टोरियल 4। अब प्लेसेस कितने आ गए? 5। और 5 में कितने अरेंज होने हैं?
तो फैक्टोरियल 5, देखना आंसर कितना आ रहा है इसका। वैल्यू कितनी आ रही है? टू डबल एट जीरो, यही है सही। समझ आ गया ना? है ये बात समझ में आई कि नहीं आई? है क्या आ गया ना? नेक्स्ट लिखो। तो मुझे लगता है सर्कल में दिक्कत तो होगी नहीं, अंडरस्टैंडिंग तो हो गया होगा। फाइनली मैं कंक्लूड ही करता हूं, ध्यान से सुनो। सर्कुलर परमुटेशन में कोई टेंशन लेनी ही नहीं है, बस एक एक कंसेप्ट ध्यान रखना है कि कोई फर्स्ट शुरुआत नहीं होती है उसमें। तो अगर हमारे पास आर थिंग्स है तो फर्स्ट प्लेस में कितनी तरह से आ सकती है आर, दूसरे के लिए आर माइनस वन, तो उसमें फर्स्ट है ही नहीं पोजिशन। फर्स्ट के लिए कोई भी एक ही है, सभी फर्स्ट है। बात समझ में आ गई ना? तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि एन को अगर मेरे को सर्किल में अरेंज करना है तो उसके तरीके कितने होते हैं, फैक्टोरियल एन माइनस वन। अब कोई टेंशन नहीं है, अगर एन डिस्टिंक्ट थिंग्स हैं और आर सिलेक्ट करके उनको सर्किल में अरेंज करना है तो कितना आएगा, एन सी आर। और आर को अरेंज कितने तरीके से करते हैं, फैक्टोरियल आर माइनस वन, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, एनपी आर अपॉन आर, कैसे भी याद करिए। अगर इसमें भी क्या है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या है, डिफरेंट है, और अगर सेम है वो तो इसमें भी क्या आ जाएगा, एनसीआर अपॉन एनसीआर आर माइनस वन अपॉन टू आ जाएगा, या एनपीआर अपॉन टू आर। जनरली पर्सन वगैरह जो बिठाते हैं वो तो कैसे होते हैं, डिफरेंट ही होते हैं, और नेकलेक है या कुछ माला वगैरह ऐसे ही कुछ बन रहे हैं तो वो क्या है, सेम माने जाते हैं, मतलब स्टैंडर्ड ऐसा ही है, और कुछ स्पेसिफाइड गिवेन हो तो बात अलग है। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, जो मैंने आपको बताई कि सर्किल और इसी पे बेस्ड एक प्रॉब्लम आ जाए तो बस प्रॉब्लम तो एक ही आनी है ना एग्जाम में, एक एक बात काफी काम की है, कि सर्किल में अगर नंबरिंग हो गई तो वो जस्ट लाइक अ लीनियर। बात समझ में आ गई ना? लीनियर में नंबरिंग और नॉन नंबरिंग इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए? ठीक, ओके।